दोस्तों जब से चाइनीज ऐप बैन हुई है ना, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम टिकटॉक कैसे यूज करें, कैसे आप अपने फोन से दूसरे फोन में फोटोज वीडियोस फाइल्स वगैरह कैसे ट्रांसफर करें, क्योंकि जेंडर शेयरिट और टिकटॉक ये सारे तो चाइनीज ऐप थे जो कि बैन हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों घबराने की बात नहीं है, इंडिया में अपने खुद के एप्स बन रहे हैं। बहुत सारे कंपनी ऐसे की रेगुलरली सिमिलर टाइप्स ऑफ ऐप बना रही है और डेवलप भी कर रहे हैं, जिसके वजह से हम अपने फाइल्स वगैरह सेंड कर सकते हैं, ट्रांसफर वगैरह कर सकते हैं और टिकटॉक टाइप के वीडियो भी बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं सभी का लोकल टॉक्स के एक और फ्रेश एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सारे एप्लीकेशन रेडी हो रहे हैं आपके फ्यूचर इस्तेमाल के लिए, जो कुछ भी आप रेगुलरली इस्तेमाल कर रहे थे, और इंडिया कौन कौन से ऐप को रिप्लेस कर रहा है चाइनीज एप्स के बदले। तो फिर चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे टिकटॉक बैन होने के बाद एमएक्स टकाटक और गाना.com पे आप टिकटॉक जैसा एनवायरनमेंट पा सकते हो और वैसे ही शॉर्ट वीडियोस बना के अपलोड कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। तो आप वो वीडियो को देख सकते हो, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, इस वीडियो के बाद जाके जरूर देख लेना। और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो हम फाइल्स वगैरह शेयर करते थे जैसे कि जेंडर और शेयरिट के थ्रू, तो उसको भी हम अपने इंडियन एप्स के थ्रू शेयर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एमएक्स शेयर के बारे में। इस ऐप पे आपको सेंड और रिसीव फाइल्स का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पे फोटोज वीडियो सॉन्ग डॉक्यूमेंट कुछ भी सेंड कर सकते हैं। ट्रांसफर के साथ साथ आप इस पे आपको इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा, जो कि ये बहुत अच्छी बात है। ये देखो मेड इन विद इंडिया का लोगो भी दिया गया है, 1K रिव्यूज है, 3+ रेटिंग्स और 100K प्लस डाउनलोड्स भी हो चुके हैं। और ये ऐप लॉन्च होते हुए नया लॉन्च हुआ है, दो चार दिन पहले ही लॉन्च हुआ है, तो कुछ लोगों ने इसको पसंद किया और इसको यूज करने भी लग गए। उसी तरह आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हो और फोटोज वीडियोस अपने सॉन्ग्स वगैरह सब कुछ इससे शेयर कर सकते हो। दोस्तों सबसे अच्छी बात, इसकी जो स्पेस है ना, जो अपना ऐप साइज है 3 MB का रखा है, बहुत ही कम रखा है। अब इतनी तो स्पेस होगी ना आपके फोन में कि डाउनलोड हो सके, तो जाओ जल्दी से डाउनलोड करो और फोटोज वीडियोस वगैरह शेयर करो, देख के रहो जाओ ना। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर देना और अपने 4-5 दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्या पता उनको भी मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि अगले जो वीडियो में पोस्ट करने वाला हूं ना, उसको भी तो आपको देखना है ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, बाय बाय।